गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आए हो बच्चे होंगे तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने बहुत टाइम से वीडियो बनाना छोड़ रखा था, मैंने अभी वीडियो बनाए नहीं था, तो मैं सोच रही हूँ चलो आज मैं आप लोगों का अपडेट दे देती हूँ या कर देती हूँ, क्योंकि मैं बिजी थी बिग बॉस में। मुझे बिग बॉस इतना अच्छा लगने लगा कि मैं अपने डेली ब्लॉग ही बनाना छोड़ दिया मैंने। मैं सोच रही थी कि बनाऊँगी, कंटिन्यू करूँगी, पर मैं कर नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बिग बॉस इतना अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा तो मुझे तीनों का, मतलब कि जो मुझे तीन मेरे फेवरेट हैं, मैं उनके नाम लूँगी। एक है मनीषा और एक है एलवेश, दूसरा है अभिषेक, तीसरा सॉरी। तो मुझे इनका मतलब इतना अच्छा लगने लगा, इतना मैं भूल गई कि मैं अपना डेली का भी ब्लॉग बनाना ही मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, बस बिग बॉस और बिग बॉस। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे अपडेट कर देना चाहिए अपने चैनल में भी। तो सुबह मैं उठ चुकी हूँ, सुबह मैं उठ चुकी थी 8:30 बजे। 8:30 बज चुकी है, फिर मैंने इनको लंच वंच दिया मैंने, और मैंने अभी चढ़ाया है खाने में, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चने की दाल आलू डाल के बॉईल कर रही हूँ मैं, आलू डाल के बनाऊँगी आज। और चावल फ्राई किए थे जो कि इनको मैंने लंच दे दिया है। और हमारे कारू भाई साहब अभी भी सो रहे हैं क्योंकि इनका तो उठने का टाइम नहीं है और ना ही कोई सोने का टाइम है, तो अभी भी ये सो रहे हैं। मैं आ चुकी किचन में और मैं लगा रही थी पराठा के लिए आटा नमक डाल के, और साथ ही साथ मैंने दाल की भी तैयारी कर, दाल की तड़का की भी तैयारी करके रख दिया है, और प्याज भी काट लिया क्योंकि कायरू उठ सकता कभी भी। तो मैंने कहा तैयारी जितना कर लो उतना ज़्यादा सही है। तो मैं सोच रही पराठा की मतलब आटा भी गूंद के रख लेती हूँ, मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर आसानी रहेगी पराठा वराठा बनाने में। दाल मेरी रेडी हो चुकी है, आलू और चने की दाल, और यहाँ मैं बना रही हूँ ऑमलेट और साथ ही साथ पराठा, क्योंकि खाने वाले आ चुके हैं। पापा को नाश्ता दे दिया है, पापा नाश्ता कर रहे हैं। और इनको सुबह सुबह कूलर बंद कर दो वरना मेरी वॉइस आवाज़ बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। लो बंद कर दिए कूलर, नीचे वाले ड्रॉअर में दीदी, नीचे वाले ड्रॉअर में। सुबह सुबह उन्हें चाहिए लॉलीपॉप और इन्हें सुबह सुबह गाने का शॉपिंग। सुबह सुबह स्टेटस। और पापा लेके आए थे अंडे, तो मैंने सोचा कि दाल हो जाएंगी दोपहर को, बनना तो मैंने दोपहर और नाश्ता दोनों हिसाब से दाल बना लिया था कि बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर। और जब अंडे लेके आ चुके हैं तो मैंने कहा चलो अंडे पराठा हो जाएंगे। तो हमारे घर में ऐसी ऑमलेट खाए जाते हैं, इसमें तो बहुत अच्छे से बन जाता है, ऐसा लग रहा है कि रोटी सीख गया पराठा। सुबह सुबह ना अपने मुँह धोया और लॉलीपॉप लेके खड़े हो गए हो। शैतानी बंद करा जाए कायरू की। हूँ क्या भाई के बच्चे, फ्रिज की उन्होंने ऐसे तैसे कर दिया है, फ्रिज में कोई सामान टिकने नहीं दिया इन्होंने। भाई नाश्ता पानी हो चुके हैं और बढ़ते हैं किचन की तरफ, क्योंकि क्या किचन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैं एक बार कुछ भी मैंने अभी तक काम करा नहीं है, और बस नाश्ता पानी करते करते 11:30 हो चुके हैं, 11:30 हो रहा है। और बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। धूप निकल आई, मैंने तुलसी से ये हटाए नहीं है, मैंने कहा धूप आ जाती ना बहुत तेज़ तो मुरझा जाते पत्ते। और हवा चल रहा है बहुत अच्छी, और अभी इधर तक तो धूप आया नहीं है, खैर अभी यहाँ छा हुआ है। और फटाफट काम कर लीजिए। और मैंने कल यहाँ नींबू का अचार रखा था दोपहर में, और देखो मैं उठाना भूल गई, इतनी ज़्यादा वो हो चुकी हूँ ना मैं, लापरवाह जिसे कहते हैं वो हो चुकी हूँ मैं। तो अब क्या उठाना, अब तो थोड़ी देर में धूप आ रहा है और सूखने दो, क्योंकि पता नहीं बारिश के मौसम में अचार वगैरह रखो अंदर तो वो बिल्कुल ऊपर से पता नहीं पपड़ी पपड़ी सी, देखो 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 जरा कैसे कष्ट है, मेरे काम कैसे बढ़ाया जाता। पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो 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 ना, पहले तो मैं आपको पिटाई लगाऊं उनको। बुआ जरा वहां से भाई को पकड़ना, बुआ जरा पकड़ना के भाई को, देखो जरा क्या कर रहा है, मैं इधर आ रही थी उधर जा रहा, वो देख रहे हो, देखो क्या कर रहा है, कस्टर्ड के पाउडर लिए और एक तो काम हुआ नहीं ऊपर से काम बढ़ाने की कोशिश। पकड़ लिया, साजिश में पकड़े गए। ओ इन
को आप संभालो, बाकी मैं घर की पूरी काम संभालती, ठीक है बुआ। तो भाई हमने बेडशीट चेंज कर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ इन भाई साहब के चक्कर में, क्योंकि यही ज़्यादा बेडशीट गंदे करते हैं, है ना, जैसे कि अभी भी तुले हुए हैं। और भाई आज की झाड़ू लगाने वाली नहीं, जब तक बुआ तो खैर एक हफ्ते से घर पे है, एक हफ्ते से झाड़ू की ड्यूटी इनकी है और मेरी किचन की ड्यूटी है, पोछा की ड्यूटी है। तो सो मेरी किचन की ड्यूटी ख़त्म हुई, क्योंकि सारे बर्तन मैंने धो दिए, बस एक चीज़ रह गया है, वो है परात और ये कद्दू की सब्जी मुझे हटानी थी, वो मैं भूल गई और कूड़े वाली आंटी लेके गई है कूड़ा, तो ये रख रखे सड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मैं वापस फ्रिज में डाल दूँ कि क्या करूँ, चलो जो भी है देखते हैं। और मुझे भर के रखनी है ये बॉटल्स, और मैंने मशीन अभी मैं अभी लगाती नहीं हूँ, मशीन में मशीन लगाती हूँ शाम को, तो अभी मैं मशीन लगाऊंगी नहीं, नहाने के बाद मशीन लगाऊंगी। और ये वाला बेडशीट तो दीदी ने ऑलरेडी झाड़ दिया है, और दोपहर की खाने की तो कोई टेंशन नहीं, पर अभी तक यहाँ धूप आई नहीं तो फटाफट धुलाई हो जाएगी तो सही है। और दोपहर के खाने की जो मैं बता रही थी कि दोपहर के खाने की कोई टेंशन है नहीं है, क्योंकि तो दाल बन चुकी है, गरम गरम चावल बना लेंगे। तो पहले मैं भर लेती हूँ बॉटल्स। घर का काम हो चुका है और काम करने के बाद मैं नहा भी चुकी हूँ, मुझे देख के लग रहा होगा आप लोगों को, कोई कोई लोग सोच रहे होंगे जैसे कि वैसे ही है, तो हाँ भाई जैसे कि वैसे ही है। और आते ही मैंने चढ़ा दिया है चावल, चावल मुझे लग रहा सीटी आने वाला है। और दो चार दिन से मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के कपड़े लेके जाना है मुझे टेलर के पास, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, और दीदी जा रही नहाने, और दीदी की अलमारी से मैं ले रही हूँ एक नेल पेंट, ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि नेल पेंट चेंज करूँ अपना। तो मैं नेल पेंट लेके आ चुकी हूँ, दिखाती हूँ कि कौन सा नेल पेंट लगाऊंगी। तो मैं लगाऊंगी ये वाला नेल पेंट, और पैरों में लगाऊंगी, हाथ में देखते हैं, पहले सोच रही हूँ पैर में लगा लेती हूँ, पैर के नेल्स भी बड़े बड़े हो गए। और मैं ट्रेनर से नहीं छुटाती हूँ नेल पेंट, मैं छुटाती हूँ उससे जो क्लिप होती है टिकटैक, उससे छुटाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा सही रहता है, वरना तो थिनर से छुटाओ तो भाई बहुत मेहनत लगता है, इससे बेहतर तो मुझे ये लगता है ये बेस्ट है, ये बहुत जल्दी छूट जाता है, तो मैं आप लोगों को छुटा के दिखाती हूँ। तो मैं बैठी हूँ नेल पेंट लगाने, और हमारे भाई साहब को खाना खाना है, और भाई साहब की ख्वाब इतनी है कि क्या बताओ, सब चीज़ मुझे ताला लगा के रखना पड़ता है, ये बहुत आसानी से छूट जाता है ये। और इनके चक्कर में मुझे ये ड्रॉयर्स वगैरह सब ये बांध के रखना पड़ता है, वरना सारे बर्तन और ये वाले तो मैं लगा के सुकून से बैठ ही नहीं पाती हूँ, जैसे ही लगा के हटूँ उसकी थोड़ी देर बाद ये बिगाड़ देंगे, सब गिरा देंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको लगाने के बाद। बस मैं मेरा फाइनली मैंने लगा लिया है नेल पेंट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहा है। हाँ काले काले पैर चमकीला नेल पेंट बहुत ही, और ये हाँ क्या हो रहा है ये देखिए आप लोग, पूरा झाड़ू पोछा और डस्टिंग पस्टिंग होने के बाद, नहा धोने के बाद देखो ये कैसे काम पड़ाते हैं मम्मा का, है ना, क्यों आज आपको खाना नहीं मिलेगा, आज आप यही खाओ कस्टर्ड, ठीक है कस्टर्ड ही खाओ आप। दीदी खाना निकाल ले। तो भाई इन भाई सबको खाना निकाल दिया, शैतानी की कोई हद नहीं है, देखो जरा कहाँ कैसे एयरबेड लगा लगे ना, तो अब ये काम क्यों करते हो हैं ना, आ मुझे धुला दे मम्मा, हमारे छोटू महाराज को तो खाना खिला दिया है, बस हम दोनों रह गए, तो खाना भी निकाल लेते हैं, बस करो यार, फ्रिज की उन्होंने बैंड बजा दिया बिल्कुल ही। तो ये हमारे खाते खाते भी बिग बॉस चलती है, और बिग बॉस की नंबर वन कीड़ा एक तो इनकी बुआ है और एक हम है, और हमारा लाल तो सुकून से खाना भी नहीं खा रहा ना खाने दे रहा है, बस फ्रिज है फ्रिज, जब से फ्रिज का लॉक टूटा है तब से फ्रिज के ऊपर चढ़ा पड़ा ही है, और सारे सामान निकाल निकाल के फेंक रहा है वो। मेरे कायर को और सलाते सलाते बिल्कुल मौसम हो गया एकदम काले बादल, ऐसा लग रहा है कि रात, जब देखी दीदी आराम से लेटी, मैं आराम से लेटी, और यहाँ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता, मैं दिखाते आप लोग, सारे टॉवल गीले हो गए और हम लोग सुकून से लेटे आराम से, मैं कह रही हूँ मिट्टी की एक जो खुशबू आती सोंधी सोंधी सी, वो स्मेल आ रही मुझे कूलर से एकदम से, तो मैंने कहा जरूर बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम तो ऐसे हो रहा था एकदम बादल
ये तो थोड़ा बहुत खुल गया, वरना पहले जब मैं आई थी टॉवल डाले तब बिल्कुल एकदम काले, ऐसा लग रहा है कि शाम की अभी 7 बज रहा हो। तो भाई ये आवाज़, ये बारिश था एकदम साइलेंट साइलेंट मौसम में आया ये। और अरे यार ये चटाई कहाँ रखूँ मैं। दीदी सुकून से सो रहे हैं और यहाँ पर पूरी टॉवल मोबल सब गीले हो गए, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, आवाज ही नहीं हुआ एकदम ना। टॉवल और हल्की गीली हो गई, बारिश रुकेगी तब जाके दोबारा डालनी पड़ेंगी। और मम्मी बेचारी कैसी आएंगी, भीग जाएंगी यार, पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। ये वाली बारिश से एकदम पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहा होगा नहीं रहा होगा, ऐसे सोच रहे होंगे कि ये नहीं नहीं अब तो दिख रहा है यार, झूठ नहीं बोल रही यार मैं, सच बोल रही हूँ, सच का साथ दीजिए आप लोग। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा बिग बॉस में सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, मतलब फेवरेट कौन है आप लोगों की। मैं अभी भी लेटे लेटे इसको सुलाने के बाद बिग बॉस ही देख रही थी, इतना दीवानी हो गई हो ये, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है। और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे लगता है कि बिग बॉस के विनर होना चाहिए अभिषेक को, क्योंकि सी मतलब उसके अंदर वो टैलेंट है यार, ऐसे गेम खेल रहा है ना वो। मुझे तो सबसे ज़्यादा तीनों के चक्कर में बिग बॉस मतलब अच्छा लग रहा है, वरना तो मैं देखती ही नहीं शायद। आ चुकी है भीगती हुई मम्मी आई है, और मम्मी हो रही गुस्सा क्योंकि मुझे जाना था आज सूट लेके मम्मी के, लेके लेने लेके जाएंगे कि नहीं ले जाना। अरे नानी आ रही, मौसी आ रही, नाना आ रहा। अच्छा अपने घर में कब कह रही थी कौन आता हूँ, वही मैं जा रही हूँ, देखते हैं जैसा भी होता है। यार यहाँ से आ जाए, छतरी लेने की तो जरूरत नहीं है खैर, और मैंने ले लिया थी खेला, कार्य को सुला के जा रही थी मैं, मैंने कहा वरना तो ऊपर नीचे होने में मैं तो खुद थक जाती हूँ, उसको क्या लेके मैं जाऊँ। बारिश हो रही है पर फिर भी जा रही हूँ क्योंकि दूसरे बिल्डिंग ही जाना है, तो उस चक्कर में अपना बोली कर रही हूँ, मैंने चलो चलते हैं। मम्मी ने बहुत टाइम से परेशान कर रखा था मुझे, जा नहीं रही हो आजकल बहुत, वैसे ही सबको आइस फ्लू हो रहा था तो मुझे भी हो रखा था, तो मैं इस चक्कर में आज थोड़ा ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो मेरे भी दोनों आँखें एकदम फूल गए थे और लाल हो गया था। किस किस के हुए हैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कपड़े देके मैं आ चुकी हूँ, अभी हुए मुझे, मैं गई थी मुझे 1 घंटा हुआ, मैं वहाँ जाके बैठ गई थी थोड़ी अपनी बातें वाते करने लगी थी, और हमारी दीदी बस सुबह से उठते साथ बिग बॉस चलता है इनका। और हमारे भाई साहब उठ चुके हैं, उठ के यहाँ बैठ चुके हैं मिट्टी के आगे, तो समझ ही सकते होंगे कि ये क्या करना चाह रहे हैं। क्या करने चाह रहे आप? कुछ नहीं, तो मैंने आज कपड़े अपने धोया तो है नहीं खैर, मतलब कि मशीन अभी तक लगाई नहीं, तो मैं सोच रही मशीन लगा दूँ, और अभी कितना बज रहा है मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, देख रहे कितनी पसीना हो रहा है बात करते करते आप लोगों से। अरे यार इतनी मेहनत करते हैं थोड़ी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए आप लोगों को। तो अभी बज रहा है यानी 6:30 हो रहा है अभी, और मैं सोच रही लो सोचना और होना बहुत अंतर है, अक्सर जो सोचते वो नहीं होता क्योंकि गई है लाइट। तो मैं इन्वर्टर बोल चुके, टूटू बोल रहे हैं, और शाम को तो सब काम हो चुका है, बस कि मैं पापा को खाना देके गई थी, जो कि तो ओ राम उल्टा कि लाइट गई, पंखा बंद हो गया यार और लाइट जल रही, वोल्टेज कम आ रहा है क्योंकि लाइट तो आ रही है फ्रिज में, पंखा बंद कर देती हूँ यार, लाइट तो चलना चाहिए, पंखा बंद कर देती हूँ क्योंकि पंखा फूक गया तो गर्मी में फिर भैया कुछ दिख ही नहीं रही, तो मैं क्या बात करूँ आप लोगों के साथ। कायरू की चोरी पकड़ी गई, कायरू कहाँ जा रहा था है, कहाँ जा रहा था, तो ये लाइट ने कर दिया बहुत परेशान। 6:15 में मैं बात कर रही थी आप लोगों के संग, और अभी 7 बज गया प्रॉपरली, थोड़ी 2-3 मिनट की देरी है क्योंकि मैं आ रही थी किचन में जब गई लाइट, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये सब बर्तन वगैरह उठा के रखूँ सुबह का, और ये जो मम्मी खाना खा के गई मम्मी पापा वो धो के रखूँ, और ये दाल वगैरह निकाल के रखूँ सुबह का बनाया था मैंने,
और इनकी चक्कर में देखो फ्रिज के सामान मुझे कहाँ रखना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने पूरी सामान एक तो डिब्बा तोड़ा है आज इन्होंने, ऊपर से फिर पहुँच गए वहीं पे। क्या रे कायरो, आज तो मम्मा ने सुकून से बिग बॉस भी नहीं देखा था। पूजा मेरी हो चुकी है और चाय भी मैंने चढ़ा दिया था और बाकी की पूजा मेरा बेटा कर रहा है दादी का। पंडित जी कितने दक्षिणा लेंगे आप? बढ़िया है, कड़क है, चाय पत्ती ज्यादा है ना? अच्छा, आप चाहती है कि आपकी भाभी की तरह चाय भी कड़क बने ऐसी है? तो चाय में मैंने मतलब ज्यादा नहीं खोली लेकिन चाय पत्ती ज्यादा दे दिया। और बर्तन वगैरह मैं धो चुकी थी, बर्तन धोया मैंने, चाय चढ़ाई, उसके बाद गई थी पूजा करने। और पापा लेके आए सब्जी जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं बाद में देखूंगी। लाइट करो बंद, क्योंकि लाइट अभी भी आ नहीं रही है। शाम के खाने में पापा लेके आए कीमा, मटन कीमा, तो मटन कीमा और बकरे की कलीजी या पेपड़ा जो भी हो संग में बना रही हूँ मैं, और उसकी मैंने तैयारी भी कर लिया है। प्याज भून रही हूँ, अच्छे से गोल्डन हो जाएंगी तब मैं डालूंगी लहसुन अदरक और प्याज की और गरम मसाला जो पीसे रखे वो उसकी पेस्ट डालूंगी। और भैया जिस हिसाब से अदरक थैली पे से गायब भी हो गया ऐसा लग रहा है, अदरक और टमाटर ये दो ही चीज़ मिल नहीं रही, और दो ही चीज़ बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब ऐसा आएगा कि भरपूर अदरक मिलेगा भरपूर टमाटर मिलेगा, तब खाना बनाने में अलग ही मज़ा आएगा। मटन कीमा कसा नहीं है और एक घंटा हो गया इसको बनाते बनाते अभी तक बन नहीं पाया, और इसकी रेसिपी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर। सोचिए थोड़े से मसाला थोड़ी पक जाए उसके बाद गर्म फूल डाल के सीख लगाऊंगी। और यहाँ मैंने आटा गूंथ के रखा था पर मैंने अच्छे से मिठवा मिला अच्छे से वो करके, टाइम भी लगेगा, हल्का सा मिक्स करके रख दिया मैंने, मुलायम हो गया। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ क्या किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला था मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तो ये वो तो नहीं है कर चौंका दिया। तो हाय करिए आप, पापा बेटे बहुत दिन के बाद मेरी ब्लॉग में आ रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोगों को, फीलिंग कैसा है, है? पापा बताओ। अच्छा कहे पापा कायरू बोल रहा है कि मम्मी के ब्लॉक में आके पापा की आंखें नहीं खुल रही, तो हम आंखें खोल दे रहे हैं आपकी, है ना कायरू, है ना बेटो, ओके बोलो। तो पूरा दिन मिस कर रहे होंगे आप लोग कायरू पापा को, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए ऑफिस का इनकी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, 8:30 से 9, और अभी कितना बज रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अभी बज रहा है 9, भाई साहब की कार्टून चल रही थी, बिग बॉस तो हमारी चल नहीं रही है। तो आज का पूरा दिन बिग बॉस। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप बिग बॉस में सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं। और ये मैं आपको लाइट में दिखा देती हूँ कि लक कैसे रही है, मस्त लग रहा है ऐसे तो। हाँ मैं बनानी चाह रही थी रोटी। तो हम मतलब मैं और मेरा कायरू हम दोनों आज की ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल फिर एक नया ब्लॉग के साथ, है ना, फिर एक नया डे के साथ। ओके बोलो गुड नाइट, गुड नाइट बोलो सबको, बोलो जल्दी गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। अच्छा लव यू बोल दो सबको, लव यू बोलो, हाय लव, हाय लव।